जय हिंद। मैं हूं अबीर खालिद अली और आज हमारे साथ है केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले जो कि आरपीआई के अध्यक्ष हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। महाराष्ट्र में महाभारत का युद्ध छिड़ा हुआ है राजनीति में, आप किसके साथ नजर आते हैं? नहीं, महाभारत का युद्ध नहीं, ये महाराष्ट्र का युद्ध है। मतलब ये महाराष्ट्र में दोनों में मतलब युद्ध तो नहीं है, लेकिन दोनों भी मतलब अपनी अपनी बात रख रहे हैं और अपना ही मुख्यमंत्री होना चाहिए, इसी तरह की भूमिका सामने आ रही है। जिस तरह शिवसेना का कहना है कि भाई हमारा मुख्यमंत्री ढाई साल बनना चाहिए, लेकिन बीजेपी का कहना है कि भाई मुख्यमंत्री हमारा ही बनेगा क्योंकि हमारे 105 लोग जो चुनकर आए हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी का जो कहना है उसके मुताबिक शिवसेना ने कुछ एडजस्टमेंट करनी चाहिए और मुख्यमंत्री पद का दावा छोड़कर उन्होंने डिप्टी सीएम का विचार उन्होंने करना चाहिए और अच्छे पोर्टफोलियो लेकर। और अभी 50-50% की बात तो हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री जी का बयान आया है कि भाई ऐसा कुछ नहीं तय हुआ है। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा कुछ नहीं तय हुआ है तो फिर शिवसेना ने भी उस पर ज़्यादा अड़ियामंड भूमिका कहने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन शिवसेना को भी न्याय मिलना चाहिए, शिवसेना को अच्छा पोर्टफोलियो मिलना चाहिए। जो केंद्र में अरविंद सावंत जी है जिनको औजड़ डिपार्टमेंट उनको में मिला है, लेकिन उसको बदल कर उनको अच्छा पोर्टफोलियो दिया जाए और एक आधा मंत्री पद वहाँ करने के संबंध में विचार हो सकता है। और ऐसे कॉम्प्रोमाइजिंग फॉर्मूले पर दोनों में एकमत हो सकता है, तो जल्दी जल्दी एकमत करे और 2-3 दिन के अंदर शपथ ग्रहण का प्रोग्राम हो। भारत जैसे कि युवाओं का देश है, आपको नहीं लगता कि आदित्य ठाकरे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाकर देश में एक नई मिसाल पैदा करनी चाहिए बीजेपी को? मुझे लगता है कि बीजेपी उस मुद्दे को एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि बीजेपी की 1-5 जगह है। अगर शिवसेना की ज़्यादा जगह आती थी तो वो किसको मुख्यमंत्री बनाना है वो जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे की थी, लेकिन अभी बीजेपी 105 जगह और शिवसेना 56 जगह पर ही उनकी स्ट्रेंथ है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि शिवसेना से डबल सीटें बीजेपी की है तो बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए, लेकिन डिप्टी सीएम की जो परंपरा रही है तो कांग्रेस एनसीपी के अलायंस में जिसकी कम सीटें होती थी, कम एमएलए होते थे, उनका डिप्टी सीएम होता था और जिनकी ज़्यादा सीटें उनको सीएम होता था। तो कांग्रेस का सीएम बहुत साल तक रहा और एनसीपी का डिप्टी सीएम रहा, उसी फॉर्मूले को आगे ले जाने की कोशिश होनी चाहिए। और शिवसेना ने मुझे लगता है कि डिप्टी सीएम का आग्रह करना चाहिए। आधी सीटें तो नहीं मिलेगी लेकिन आधी से थोड़ी कम सीटें मिल सकती है, लेकिन पोर्टफोलियो अच्छे मिल सकते हैं, इस पर भी चर्चा की जा सकती है। और मैंने कल मुख्यमंत्री जी आधा घंटा बात की है और मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि पोर्टफोलियो अच्छा देना हो, केंद्र में अच्छा मंत्रिपद देना हो, पोर्टफोलियो चेंज करना हो या यहाँ भी अच्छे डिपार्टमेंट देना हो, इस पर अपन बैठ कर चर्चा कर सकते हैं। तो उसी तरह मुझे लगता है कि कोई ना कोई तो फॉर्मूले पर चर्चा हो जाएगी। और अगर ऐसा हो सकता है कि अगर शिवसेना बहुत ज़्यादा अडायमेंट रहेगी तो बीजेपी अकेले में सरकार बनाने का दावा कर सकती है और उनके पास सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के नाते उनके पास 105 एमएलए है, तो मतलब इसी तरह की कोशिश अगर हो जाती है तो मुझे लगता है कि जो राज्यपाल है, राज्यपाल बीजेपी को सरकार बनाने का मौका दे सकते हैं और एक 10-15 दिन का टाइम देकर वो बहुमत सिद्ध करने के लिए राज्यपाल आदेश दे सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है, या फिर शिवसेना कांग्रेस एनसीपी एक साथ आकर भी सरकार बना सकते हैं, लेकिन वो संभवतः नहीं दिखता है। लेकिन उसमें ये भी संभव है कि अगर शिवसेना ज़्यादा ही अडायमेंट रहेगी तो बीजेपी एनसीपी का सपोर्ट लेने की कोशिश भी कर सकते हैं, क्योंकि 2014 में शरद पवार साहब ने जब बीजेपी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली थी, 122 सीटें मिली थी जी। तब हम बाहर से समर्थन करेंगे ऐसा उन्होंने बोला था, तो
तो अभी भी मतलब उसके लिए कोशिश की जा सकती है अगर शिवसेना का नहीं जमता है तो, लेकिन शिवसेना का और बीजेपी का ही जमना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। तो ये या जमना चाहिए या दोनों ने जमाना चाहिए, मतलब शिवसेना बीजेपी का दोनों का आपस में उन्होंने जमाना चाहिए। और इसीलिए मुझे लगता है कि ज़रूर दो दिन में कोई ना कोई तो फर्क पड़ेगा और कॉम्प्रोमाइजिंग फॉर्मूला सामने आ जाएगा। आप जैसा कि देखा गया है बीजेपी और शिवसेना के दोनों के करीबी रहे हैं, अगर शिवसेना बीजेपी को छोड़कर के किसी और के साथ सरकार बनाती है तो आप किस साइड खड़े होंगे? तो मैं तो बीजेपी के साथ जाऊंगा, क्योंकि सरकार स्थापित करने के लिए मेरी जरूरी वहाँ रहेगी, क्योंकि मेरे पार्टी के दो MLA चुनकर आए हैं और एक MLA हमारे में चुनकर आया है राम सातपुते, और दूसरा जो MLA था नायगांव में राजेश पवार नांदेड़ जिले में चुनकर आए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा हो जाता है कि अगर शिवसेना बीजेपी में फूट हो जाती है तो रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी के साथ रहेगी और हम सरकार में शामिल होंगे। आपको लगता है कि महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में इस बार आपकी पार्टी को जगह मिलेगी? हाँ, मतलब हमें दो जगह मिलनी चाहिए इसी तरह की मांग हमने की थी, लेकिन अभी माहौल देखते हुए मुझे लगता है कि कल मुख्यमंत्री जी से हमारी बात हुई है तो अगर एक ही मंत्री पद देना है तो एक कैबिनेट हमको दीजिए ऐसा हमने उनको बोला है। तो बोले जाए देखते हैं अभी क्या क्या कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जरूर RPI को एक मंत्री पद मिलेगा, कैबिनेट मिलता है कि राज्य मंत्री पद मिलता है, लेकिन एक मंत्री पद अवश्य मिलेगा जी। आप कवि हैं, अपनी कविता के माध्यम से बीजेपी और शिवसेना को कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं तो मतलब शिवसेना बीजेपी को एक साथ रहने का संदेश देना चाहता हूँ। मैं शिवसेना बीजेपी को एक साथ रहने का संदेश देना चाहता हूँ और कांग्रेस राष्ट्रवादी का बदला लेना चाहता हूँ। तो इसी तरह मुझे लगता है कि ये दोनों ने एक साथ आना है और आने के लिए मेरी दोनों पार्टियों की को हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा है। आप एक साथ आइए, सरकार बनाइए, महाराष्ट्र को सुजलाम सुफलाम करिए और महाराष्ट्र को मजबूत करने के लिए आपने सरकार स्थापित करने की आवश्यकता है ऐसा मुझे लगता है। तो ये थे हमारे साथ महाराष्ट्र से RPI अध्यक्ष रामदास अठावले।